Hi friends, welcome to my YouTube channel. And in the question series of real analysis, the second question is, which of the following is or are correct? More than one option may be correct. So the set 1, 4, 9, 16 and so on is countable. The set of integers is countable. Both 1 and 2 are correct. And the fourth option is exactly one. Only one of the 1 and 2 is correct. So let's see. First of all, we should know what is a countable set. So any set S is said to be countable if there exists an injective function from that set S to the set of naturals. Okay, and any set S is countably infinite if it has one-to-one correspondence with the naturals. So these are the results which we'll be using up. So the first statement here is the set 1, 4, 9, 16 and so on. तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो हमारा सेट है इसको ऑब्जर्व करते हैं 1, 4, 9, 16 एंड सो ऑन. क्लियरली ये 1 स्क्वायर है, ये 2 स्क्वायर है, ये 3 स्क्वायर एंड सो ऑन. ठीक है, तो अब मैं एक मैप डिफाइन करता हूँ फ्रॉम द सेट S टू द नेचुरल्स सच दैट F ऑफ S इज n स्क्वायर. या आप इसको मैप को उल्टा भी डिफाइन कर सकते हो, नॉट अ बिग डील. अगर आप इसको फ्रॉम नेचुरल्स टू सेट एस डिफाइन कर देते हो सच दैट एफ ऑफ एन इज एन स्क्वायर. तो जैसे कि हमारे पास यहाँ नेचुरल्स होंगे, वन गेट मैप्स टू वन स्क्वायर दैट इज वन. सिमिलरली टू विल गेट मैप टू फोर, थ्री विल गेट मैप टू नाइन. ऐसे करते हमारे जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे ही मैप हो जाएंगे, एक वन टू वन कॉरेस्पॉन्डेंस हमें मिल जाएगी नेचुरल से लेकर एस तक. अगर हमें कहीं भी वन टू वन कॉरेस्पॉन्डेंस मिल जाए इसका मतलब दोनों सेट्स की कार्डिनलिटीज क्या हैं, बराबर. सो द कार्डिनलिटी ऑफ नेचुरल मस्ट बी इक्वल टू द कार्डिनलिटी ऑफ द सेट एस एंड द कार्डिनलिटी ऑफ द नेचुरल्स इज गिवन बाय एलिफ नॉट, राइट. सो द सेट एस इज काउंटेबल. नाउ क्योंकि हमने डेफिनेशन में भी देखे काउंटेबिलिटी के, हमने एक इंजेक्टिव फंक्शन शो कर दिया, ठीक है, और वन टू वन कॉरेस्पॉन्डेंस भी दिखा दी, तो द सेट इज काउंटेबल. सो द फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट. नाउ द सेट ऑफ इंटीजर्स. अब इंटीजर्स के लिए भी हम लोग एक मैप डिफाइन करने की कोशिश करते हैं. सो लेट एफ बी अ फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम नेचुरल्स टू इंटीजर्स. अब इस मैप को मैं पीस वाइज डिफाइन कर देता हूं, एन बाय टू इफ एन इज इवन एंड इफ एन इज ऑड देन आई डिफाइन इट टू बी माइनस ऑफ एन माइनस वन बाय टू. नाउ अब हम देखते हैं, जैसे कि हमारे डोमेन में जितने भी नेचुरल्स हैं, तो जैसे कि अगर मैं वन रखता हूँ तो वन इज ए ऑड वन माइनस वन जीरो, तो वन गेट्स मैप टू जीरो. सिमिलरली अगर इफ यू सब्स्टिट्यूट टू, टू इज इवन, टू डिवाइड बाय टू दैट इज वन, सो टू गेट्स मैप टू वन. थ्री गेट्स मैप टू, थ्री इज एन ऑड नंबर, थ्री माइनस वन टू डिवाइड बाय टू एंड माइनस का साइन, तो माइनस वन. सिमिलरली अगर आप इसको आगे देखोगे, फोर विल गेट मैप, सिमेट्री क्या कहती है, फोर विल गेट मैप टू टू फाइव विद माइनस टू एंड सो ऑन. तो बेसिकली जितने भी हम लोग यहाँ पे नेचुरल नंबर लेते रहेंगे उसके कॉरेस्पॉन्डिंग मेरे को सारे ही इंटीजर्स कवर हो जाएंगे. तो यहां से लेकर यहां तक, सॉरी, सो फ्रॉम दिस सेट टू दिस सेट एंड सो मेनी अदर एलिमेंट्स विल कम, राइट. तो ये नेचुरल्स का सेट था, ये इंटीजर्स का. अब इसमें हमने एक वन टू वन कॉरेस्पॉन्डेंस दिखाई, तो मतलब इन दोनों की कार्डिनलिटीज क्या आनी चाहिए, बराबर. तो जो कार्डिनलिटी ऑफ इंटीजर है वो इज इक्वल टू द कार्डिनलिटी ऑफ नेचुरल विच इज एलिफ नॉट, ठीक है, एंड हेंस इंटीजर्स आर काउंटेबल. सो द सेकेंड ऑप्शन इज ऑल्सो ट्रू एंड बोथ वन एंड टू आर करेक्ट एंड द लास्ट इज एक्जैक्टली वन, सो दिस विल बी रॉन्ग. आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया हो. थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो.